मैस्टर जनरल्स आपका स्वागत करता है। आज मैं फ्रोजन शोल्डर के लिए आपको ऐसे एक्सरसाइजेस बताने जा रहा हूं जिसके करने से आपको पेन किलर मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी मांसपेशियों में ब्लड सप्लाई ठीक से हो सकेगी और आपको काफी राहत। फ्रोजन शोल्डर आजकल एक बड़े कॉमन से प्रॉब्लम है। इसमें सबसे पहले आपने अपनी बाजू को जितनी आपकी अफेक्टेड बाजू है उसको ऊपर लेकर जाना है, जितनी जा सके उससे थोड़ी सी ज्यादा, नंबर वन एक्सरसाइज। सेकंड, आपको दूसरी बाजू के सपोर्ट से इसको ऊपर लेकर जाना है जितनी जा सके। नंबर थर्ड, आपने अपनी बाजू को स्ट्रेच करना है इस तरह, मैक्सिमम स्ट्रेच कीजिए। आपकी बाजू बिल्कुल स्ट्रेच होनी चाहिए, आपके फिंगर्स स्ट्रेच होने चाहिए, फिर आपको इस तरह करना है। आप दूसरी बाजू से भी इसको रिपीट करते हैं। यू हैव टू स्ट्रेच योर आर्म, ये बिल्कुल स्ट्रेच होने चाहिए, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट इज, आपने अपनी बाजू को सीधा करना है और आपने राउंड गोल गोल चक्कर बनाना है, 1, 2, 3, 4, फिर एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, फिर बड़ा चक्कर, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये अफेक्टिव बाजू से करना है, आप नॉन अफेक्टिव बाजू से भी कर। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, आपने इस बाजू को अपने दूसरे कंधे पे लेकर जाना। नेक्स्ट दिस एक्सरसाइज एंड दिस एक्सरसाइज आपने करना है। नेक्स्ट इज, आपने अपने जे एल्बोस को इस तरह बनाना है, फिर ये इसको 5 से 6 टाइम करना है। देन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आपने इसको करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस वेरी सिंपल, आपने इसे 10-15 सेकंड तक करना है। अगेन विद अनदर आर्म, ये आपने 10-15 सेकंड तक करनी है, ये आपने 4-5 बार रिपीट करना है। नेक्स्ट इज, इसको 20 सेकंड तक रखना है, अगेन इसको 20 सेकंड तक रखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, नेक्स्ट इज, आपने अपने इस आर्म से अपने सर्वाइकल मसल्स को प्रेस करना, एंड अगेन आपने नेक्स्ट एक्सरसाइजेस नेक्स्ट इज आपने इसको भी 20 सेकंड तक करने। नेक्स्ट इज, यदि आप इन एक्सरसाइज या योगा को फॉलो करेंगे तो 100% गारंटी है आपको फ्रोजन शोल्डर से कोई भी पेन किलर लिए बगैर ही आराम मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।